दोस्तों, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हैं। इस वीडियो को देखने से पहले ही हम आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च और स्टडी है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे पहले हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट या लॉस दोनों की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांच, आप सभी का स्वागत करता हूं डोर बेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं सीएमई फ्यूचर कैप्स के बारे में। यस, ये दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा डिबेटेबल टॉपिक है, जहां पे के कुछ लोग इसके फेवर में है कि जो सीएमई के गैप्स होते हैं वो हमेशा फिल होते हैं, कुछ लोग इसके फेवर नहीं है कि भैया नहीं होते, ये तो ऐसे यहाँ पे हो जाता है। तो आज इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों के सारे डाउट्स मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। जितना भी मैं रिसर्च कर पाया हूँ वो सारी की सारी आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। उसके बाद डिसीजन आप लो कि ये फिल होते हैं या फिर नहीं होते हैं, या फिर बस ऐसे ही मार्केट के अंदर मजाक यहाँ पे चल रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों हमको जानना होगा कि गैप्स होते क्या है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग नए हैं, उनको यही नहीं पता है कि ये गैप्स क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे पहले क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों होता क्या है कि हमारा जो बिटकॉइन का मार्केट है या फिर हमारा जो क्रिप्टो का मार्केट है वो यहाँ पे 24/7 यहाँ पे चलता है। 24/7 चलता है तो यहाँ पे कोई भी आपको एक लैग देखने को नहीं मिलता प्राइस के अंदर, और जो आपकी प्राइस भी फ्रीक्वेंट तरीके से मिलती है, चाहे 1 आवर के चार्ट में जाए, चाहे 1 मिनट में जाए, चाहे 1 वीक में जाए, आपको एक फ्रीक्वेंटली एक चार्ट देखने को मिलता है। लेकिन जो स्टॉक मार्केट होता है वो यहाँ पे ऐसे वर्क नहीं करता, उसमें एक फिक्स टाइम होता है, जैसे कि सुबह 9 से 5:30। अब ये तो हमारे इंडिया का टाइम हो गया। इसी तरीके से अलग अलग जोन होते हैं पृथ्वी के ऊपर, हमारी डिफरेंट डिफरेंट जोन्स हैं, जैसे कि एशिया जोन, एशिया पैसिफिक, सिंगापुर जोन, अमेरिका जोन, ऐसे ढेर सारे जोन्स हैं। तो इन जोन में क्या होता है, अलग अलग टाइम पे ट्रेडिंग होती है, क्योंकि अभी हमारी अगर मान लीजिए सुबह के 9:30 बजे, तो हो सकता है अमेरिका में रात के 2 बज रहे हों या सिंगापुर में दोपहर के 3 बज रहे हों। तो ये जो जोन्स हैं ये डिफरेंट होते हैं। तो स्टॉक मार्केट जो होता है वो उस तरीके से वर्क करता है, लेकिन जो क्रिप्टो मार्केट है ये 24/7 चलता है और ये सभी के लिए एट ए टाइम ओपन होता है। तो आप किसी भी जोन में हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको लॉगिन करना होता है, आप डायरेक्टली पहुंच जाते हैं। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि इस तरीके से वर्क होता है। यही सेम चीज क्या हुआ, क्योंकि स्टॉक मार्केट की जो कंपनीज है, जैसे कि हम बात करें सीएमए की, वो है शिकागो मर्चेंट एक्सचेंज। ये भी एक कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल कंपनी है, उन्होंने यहाँ पे बिटकॉइन के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स अपने यहाँ पे लिस्ट कर लिए। अब ये जो लिस्टिंग हुई, क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड है वो तो है 5 दिन का चलने का, जैसे कि हमारा फॉरेक्स मार्केट चलता है, तो ये जो 5 दिन ये लोग चल रहे हैं कुछ टाइम पीरियड में चल रहे हैं। तो इसके कारण यहाँ पे क्या होता है कि आज की क्लोजिंग और कल की ओपनिंग, अब चाहे वो ऊपर हो या फिर नीचे हो, इसके बीच में गैप आता है। इसलिए जो गैप होता है इसको कहते हैं गैप्स। ओके, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ये जो गैप्स होते हैं इसके प्राइस एक्शन के बीच में यहाँ पर गैप्स हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं, और ये जो गैप्स होते हैं इसी को हम लोग कहते हैं कि गैप अभी यहाँ पे खाली पड़ा है, गैप को फिल होना है, या फिर जो भी चीज यहाँ पे कहते हैं। बेसिकली मैंने बहुत सारा यहाँ पे रिसर्च करने की कोशिश करी, कुछ बुक्स को भी रिफर करा, और यहाँ पे जो चीजें निकल के वो आई कि ये जो गैप्स होती हैं इनको बेसिकली यहाँ पे 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करा गया है। चारों कैटेगरी के अपने अपने यूज केस हैं, और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये गैप्स फिल होती हैं या फिर नहीं होती हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आती है कॉमन गैप्स। मैं आपको पहले चारों के नाम बता देता हूँ। सबसे पहले है कॉमन गैप, दूसरे यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलती है वो होती है ब्रेक अवे गैप्स, तीसरी यहाँ पे होती है रन अवे गैप्स, और चौथी होती है एक्सॉशन गैप। हालांकि नाम बहुत भारी भरकम है, लेकिन इनको इजी भाषा में आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आती है कॉमन गैप्स। कॉमन गैप क्या होती है कि मान लीजिए एक मार्केट एक रेंज बाउंड में चल रहा है, जैसे $200 ऊपर, $250 नीचे, $300 ऊपर, और ये जो रेंज बाउंड है इसके बीच में अगर कोई दिन में मार्केट क्लोज हो जाता है या फिर कुछ भी होता है तो वहां पे गैप छूट जाती है। तो ये जो गैप यहाँ पे छूट रही है इसको कहते हैं कॉमन गैप्स, जो कि बहुत ज्यादा कॉमनली मिलती है, और इसमें जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। उस टाइम पे कोई ज्यादा हलचल नहीं होती मार्केट में, ना ही कोई एक ट्रेंड वहां पे चल रहा होता है, तो एक साइडवेज का मोमेंटम वहां पे बना हुआ होता है। और ये जो कॉमन गैप्स होती है ये हमेशा फिल्ड होती है, क्योंकि इनका साइज छोटा होता है और प्राइस का मोमेंटम भी छोटा होता है, तो इसके कारण ये जो गैप्स होती है हमेशा यहाँ पे फिल हो जाती है। दूसरी दोस्तों जो गैप होती है वो होती है ब्रेक अवे गैप, या फिर ब्रेक थ्रू, आप जो भी इसको कहना चाहो। इसका सिंपल सा मतलब है कि जब भी कोई पैटर्न यहाँ पे बनता है या फिर जब भी प्राइस होती है वो कंसोलिडेट होके एक स्क्वीज फॉर्म में आती है। जैसे कि अभी हम अगर BTC की बात करें तो BTC का डिसेंडिंग ट्रेंड का ब्रेकआउट हुआ, लेकिन इससे पहले आपको जो गैप मिला वो 8,500 के आसपास था, तो वो इसी वजह से था क्योंकि 8,500 के पहले भी एक असेंडिंग ट्रेंड का ब्रेकआउट हुआ था। तो यहाँ पे ये जो चीजें आ रही है ये एक्चुअली में आपके किसी पैटर्न के साथ, जो कि आपका ट्रेडिशनल पैटर्न होता है, उसके साथ अटैच होकर आती है। और अगर उस टाइम पे आपको कोई सा ऐसा एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है जहां पे कि आपको गैप मिल जाए उस ब्रेकआउट के टाइम पे, जो कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा कॉमन है,
अगर वो ब्रेकआउट आपका बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम के साथ हुआ है तो यहाँ पे चांसेस ये होंगे, 90% चांसेस ये होंगे कि वो वहां पे फिल नहीं होगा। लेकिन अगर वो ब्रेकआउट होता है और आपको वहां पे वॉल्यूम देखने को नहीं मिलती, जो वॉल्यूम आपको वहां पे देखनी चाहिए थी, उस ब्रेकआउट से एक्सपेक्टेड थी, तो उसका जो फिलअप होगा वो वापस हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर दूसरी कंडीशन ये भी है कि ये एट ए टाइम फिल नहीं होते हैं, ये कुछ हफ्तों कुछ महीनों बाद जाके फिल होते हैं। तो जो भी आपको 8,500 का जो एक गैप फिल होता हुआ दिख रहा है वो इसी वजह से दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ये गैप था ये इसी कारण यहाँ पे फिल हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे जो तीसरा होता है वो होता है दोस्तों रन अवे। रन अवे यहाँ पे गैप्स होते हैं। रन अवे गैप्स क्या होते हैं, जैसे सपोज करिए आपका बीटीसी का एक ट्रेंड चल रहा है, $100 से वो $1,000 के बीच में जा रहा था, लेकिन $1,000 के बाद उसने सीधा जंप करके वो चला गया $1,500 या फिर $2,000 पे उसने ओपनिंग करी सीएमई फ्यूचर ग्रुप्स के ऊपर। तो ये जो गैप आया जो कि इस ट्रेंड के अंदर आपको देखने को मिला है, इस हम लोग गैप को कहते हैं रन अवे गैप, यानी कि कोई चीज चल रही थी और वो दौड़ के कहीं और ही पहुंच गई। तो ये जो गैप्स होते हैं ये भी दोस्तों एक ऐसे गैप होते हैं जो कि फ्यूचर में जाके भराते हैं, अभी हाथों हाथ नहीं भराते। और अगर ये हाथों हाथ भराएंगे भी तो एक पार्शली फील होगा, ये पूरे के पूरे फील नहीं होते, ये कुछ पर्टिकुलर अमाउंट में फील हो जाते हैं, और उसके बाद फिर ये आगे चल के प्राइस को और ज्यादा डिप मार के फिर वहां पे आपके विक्स मार के उसको कवर यहाँ पे कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक लास्ट टाइप का जो होता है वो होता है यहाँ पे एग्जॉशन गैप। तो एग्जॉशन गैप दोस्तों क्या होता है, बेसिकली एग्जॉशन गैप कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पर एक ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि थोड़ा बहुत ये आपके रन अवे से थोड़ा सा सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे जब आपका प्राइस एक ट्रेंड में चल रहा है और ऊपर जाके गैप देता है और वहां से प्राइस रिवर्स हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है एक्सॉशन गैप। इसका मतलब क्या है कि जो प्राइस है वहां पे थक चुका है, अब वो इससे और ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहता, तो यहाँ से हम लोगों को जो एक रिवर्सल देखने को मिलता है। तो ये जो गैप होता है ये हाथ की हाथ वहीं की वहीं फील हो जाता है, हो सकता है 4-5 कैंडल बाद हो जाए, हो सकता है कि एक हफ्ते में ही हो जाए। तो यहाँ पे हम लोगों को ये पूरे के पूरे जो 4 पॉइंट्स है इसे ये चीज समझ आती है कि 90% से लेकर 95% चांसेस ये होते हैं कि ये जो गैप्स यहाँ पे फिल होंगे। अब ये गैप्स फिल क्यों होते हैं, सबसे मेन रीजन ये है। तो इसका जो दोस्तों मेन रीजन है वो है डिमांड एंड सप्लाई। क्योंकि क्या होता है कि जब मार्केट क्लोज होता है तो बहुत सारे ऑर्डर पेंडिंग रह जाते हैं, और जब अगले दिन मार्केट खुलता है तो नए ऑर्डर्स भी वहां पे रात को आ जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, जो ऑर्डर्स होते हैं उनके अंदर इम्बैलेंस हो जाता है। इस इम्बैलेंस को वापस से एक प्रॉपर तरीके से लाने के लिए, ताकि मार्केट अंदर लिक्विडिटी बनी रहे, जिन लोगों को लिक्विडेट करना है उनको लिक्विडेट कर दे, जिन लोगों से पैसा छीनना है जिनको देना है, वो सारा जो सेटलमेंट का काम होता है वो ये गैप फिलिंग का काम करता है। तो अगर आप मुझसे पूछो कि मेरा इसके ऊपर ओपिनियन क्या है, तो सिंपल सा बात है कि इतनी सारी चीजों से हमें कंक्लूड ये निकल रहा है कि जो चीज 70% के ऊपर हो रही है वो चीज डेफिनेटली यहाँ पे हो रही है, यानी कि 90% हमको ये चीज देखने को मिल रही है कि जो गैप्स है वो यहाँ पे फिल होते हैं। तो यस, यहाँ पे गैप्स फिल होते हैं, अब चाहे वो 1 महीने बाद हो 2 महीने बाद हो, लेकिन यहाँ पे जो गैप्स हैं वो यहाँ पे फिल होते हैं। तो अगर आपको आपसे फ्यूचर में कोई गैप मिलता है तो आपको यहाँ पे फिल होता हुआ मिल जाएगा। हाँ, इसमें सिर्फ एक एक्सप्रेशन कैसे, वो है कि एक्सॉशन गैप, अगर एक्सॉशन गैप जो है वो कई बार रह जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा छोटे लिमिट से रह जाते हैं, या जहाँ पे आपको $50 या $70 का मूवमेंट होगा, लेकिन अगर वो गैप बड़े होंगे तो डेफिनेटली वो भी यहाँ पे फिल हो ही जाएंगे। तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन इसके साथ, क्योंकि आपको पता है कि एक सिक्का का कभी भी एक पहलू नहीं होता, हमेशा दो पहलू होते हैं, तो यहाँ पे दूसरा पहलू यह है, वो है टेक्निकल एनालिसिस। अगर टेक्निकल एनालिसिस हमको ऑलरेडी यहाँ पे बता रहा था बिटकॉइन के चार्ट पे कि यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल है, ये बेरिश फॉर्मेट होता है, हालांकि हम लोग इसको बुल ट्रेंड के हिसाब से काउंट भी कर रहे थे, लेकिन वो नीचे टूटा और उसके गैप्स को फिल अप करा, तो ये जो माइंड की जो साइकोलॉजी यहाँ पे बन रही है वो दोनों चीजों को आप मिक्स करके यूज करो। अगर आप दोनों चीज को मिक्स करके यूज करोगे तो आपके ट्रेड में और ज्यादा परफेक्शन आएगा, बहुत अच्छी तरीके से रहेंगे, और आपको ये टेंशन नहीं लेना पड़ेगा कि भाई ये गैप कब फिल होगा। आपको बस पता है कि भाई इसका ऐसा ऐसा होना है, मुझे ये चीजें करना है, और बस मेरा काम यहाँ पे हो जाएगा, मेरे को मेरा प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा, या फिर जो भी मैं कॉइन होल्ड कर रहा हूँ वो मैं इस पॉइंट पे खरीद लूंगा। और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता तो आप ये वाला कोर्स लेके सीख सकते हो, क्योंकि अगर आप नहीं सीखोगे नहीं समझोगे तो आप लॉस करते रहोगे, और बाकी ये जो वेल्स और ये सारी चीजें जो आती है ये सब यहाँ पे बकवास है। आपसे चार्ट को पढ़ो, चार्ट को पढ़ना जिस दिन सीख जाओगे उस दिन प्रॉफिट कमाना भी अपने आप यहाँ पे सीख जाओगे। दोस्तों वीडियो आप सभी को पसंद आएगी, दोस्तों वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज दोस्तों करेगा लाइक, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो करेगा डिसलाइक, दोस्तों चैनल फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि आप इसी तरह का इंटरेस्टिंग यहाँ पे पा सके और पूरे मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो बस दोस्तों मिलता है आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।